गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम पढ़ेंगे संस्कृत ग्रामर में संधि। हमारा आज का टॉपिक है संधि। सबसे पहले संधि कहते किसे हैं? संधि मतलब जोड़ना, मिलाना, मित्रता करना, वो संधि के लगते हैं। संधि की परिभाषा संस्कृत में वर्ण संधानम संधि, वर्ण संधानम संधि अर्थात वर्णों की निकटता ही संधि कहलाती है या वर्णों का मेल ही संधि कहलाता है। तो वर्ण संधानम संधि क्या बनी संस्कृत परिभाषा पूछेंगे तो वर्ण संधानम संधि। आपको याद रखनी संस्कृत परिभाषा वर्ण संधानम संधि, वर्णों का मेल ही संधि कहलाता है। हिंदी में हम बोले तो अर्थात दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार यानी परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। वर्ण संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में पदों का मेल होता है। संधि समास में यही पर अंतर है। संधि में होता है वर्णों का मेल, समास में होता है पदों का मेल। संधि की परिभाषा में लिखेंगे दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार को हम संधि कहते हैं। ठीक है ना। इसमें संधि की परिभाषा संस्कृत में हो गया वर्ण संधानम संधि। परिभाषा पूछे आपको पहले संस्कृत में लिखनी है वर्ण संधानम संधि, उसके बाद दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि के भेद तीन, कितने भेद संधि के? तीन भेद है। अच्छी को स्वर संधि के नाम से जाना जाता है, बोलते हैं हिंदी में स्वर संधि, व्यंजन संधि, तो संस्कृत में बोलते हैं अच संधि। अच संधि मतलब स्वर संधि, हल संधि मतलब व्यंजन संधि, अच संधि मतलब स्वर संधि, हल संधि मतलब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बस का एक ही नाम है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के दो नाम क्या हो गए? अच संधि और स्वर संधि। व्यंजन संधि का दूसरा नाम है हल संधि और विसर्ग संधि का केवल एक ही नाम है विसर्ग संधि। तो इस प्रकार संस्कृत में संधि के होते तीन भेद, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। संधि की परिभाषा संस्कृत में वर्ण संधानम संधि, हिंदी में दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार को या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। संधि के भेद तीन होते असंधि, हल संधि और विसर्ग संधि। आप इसे लिख लीजिए और आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में यानी कि अच संधि के बारे में। तो आप लोग इसे लिख लीजिए बेटा जल्दी से। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्वर संधि के बारे में जिसे संस्कृत में कहते हैं असंधि। स्वर संधि यानी दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले विकार को परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले विकार को परिवर्तन को कहते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के भेद होते आठ। संस्कृत में कितने होते हैं? आठ भेद होते हैं। द्विज संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आदि संधि, पूर्व संधि, परूप संधि, प्रकृति भाव संधि। ठीक है ना। द्विज संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आदि संधि, पूर्व संधि, परूप संधि और प्रकृति भाव संधि। आपके कोर्स में केवल पांच है तो हम पांच का अध्ययन ही करेंगे। किस किस का? द्विज संधि का, गुण संधि का, वृद्धि का, यण का और अयाद्धि का। ठीक है ना। सबसे पहले पढ़े द्विज संधि। द्विज संधि का सूत्र होता है अपे सवर्ण दीर्घ। अपे सवर्ण दीर्घ द्विज संधि सूत्र क्या बेटा? अपे सवर्ण दीर्घ। गुण संधि का सूत्र है आद्गुण। गुण संधि का सूत्र है आद्गुण। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची। क्या होगा? वृद्धि रेची। द्विज संधि का अकय सवर्ण दीर्घ है। आपको याद रखना है अकय सवर्ण दीर्घ ये द्विज संधि का सूत्र है। गुण संधि का सूत्र है आदगुण। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची। क्या सूत्र है? वृद्धि रेची। यण संधि का सूत्र है इको यणची। इको यणची यण संधि का सूत्र है इको यणची। अयादि का है एचो अय वायाव। एचो अय वायाव। पूर्व संधि का है पदानति और परूप संधि का है एडी परूपम। प्रकृति भाव का सूत्र नहीं है। तो हम पढ़ेंगे केवल द्वि संधि के पांच संधि, द्वि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि जो हमारे कोर्स में।
ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या पढ़ा, संधि की परिभाषा, संस्कृत में वर्ण संधानम संधि, आपको इस संस्कृत में ही याद करनी है वर्ण संधानम संधि, अर्थात दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार को, परिवर्तन को संधि कहते हैं। संस्कृत में संधि के होते तीन भेद, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अच संधि को हिंदी में हम लोग स्वर संधि कहते हैं, हल संधि को हम कहते हैं व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि को विसर्ग संधि ही कहा जाता है। हम पढ़ेंगे अच संधि के बारे में। अच संधि मतलब स्वर संधि, दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले विकार को, परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के होते मुख्य रूप से आठ भेद, कितने होते आठ भेद, आठों के नाम वीर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्वोक संधि, परोक्ष संधि, प्रकृति भाव संधि। हमारे कोर्स में पांच ही है, तो पांच का अध्ययन करेंगे। आपको प्रत्येक का नाम रखना है, वीर संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण और अयादि। वीर संधि का सूत्र है अकय सवर्ण दीर्घ, यानी सारे वर्ण सवर्ण आते, अकय सवर्ण दीर्घ आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ा ऋ, यह आपके द्विसंधि में आता है। गुण संधि यानी आद्गुण, इसमें आते ए ओ अर और अल, ए ओ अर और अल। वृद्धि संधि में और मात्रा आई और औ, आई और औ। यण संधि में यह वह रहले, यण संधि में यह वह रहले आता है, यह का बन जाता है ई, वह का बन जाता है उ, रह का बनता है री और ले का बनता है लिनी। अयादि संधि में ए आई ओ औ, ए आई ओ औ आते हैं अयादि संधि में, ठीक है। ए का बनता है आए, आए का बनता है आए, ओ का बनता है औ और औ का बनता है आओ। पूर्वरूप संधि में ए और ओ की मात्रा के बाद ए अवग्रह बना हुआ आता है। पररूप संधि में पहला पद उपसर्ग आता है और प्रकृति भाव में इसमें द्विवचन में वर्ण आता है, ठीक है ना। तो हमारे प्रकार संधि के भेद हो गए, स्वर संधि के आठ भेद हो गए। अब अगले वीडियो में हम स्वर संधि के जो आठ भेद है उसे पांच भेद जो हमारे कोर्स में उसका अध्ययन करेंगे। तो आज के इतना ही काफी है, कल हम इसका अध्ययन करेंगे दी संधि का, गुण का, वृद्धि का, यण का और अयादि का। तो आप इसे लिख लीजिए। थैंक यू।